आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न 2023 परीक्षा के लिए, आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन है? तो महासभा है, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? 1974 ईस्वी में भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था फ्रेंड्स, वो कहाँ किया था? ऑप्शन ए है पोखरण में, ऑप्शन बी है बीकानेर में, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर में, और ऑप्शन नंबर डी है त्रिवेंद्रम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, पोखरण में। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया? ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो प्रश्न है, कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं डी, ठीक है। डी क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो जो नाटो का सदस्य नहीं है वो कौन है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारत। भारत जो है वो क्या है? तो नाटो का जो सदस्य है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर जो है इनका नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन से, ऑप्शन बी है टेहरी बांध आंदोलन से, ऑप्शन सी है भूदान आंदोलन से, और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तो प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, तो क्या निश्चित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखें, ठीक है। ये 1942 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, ठीक है, यानी फिक्स किया गया, ठीक है। क्या फिक्स किया गया? तो सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखें, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1942 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है 5 मई को, ऑप्शन बी है 10 मई को, ऑप्शन नंबर सी है 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर को। तो इसका नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अनुबंधित मजदूरों को, ठीक है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को जो है सो क्या कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर ये अलेक्जेंड्रिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फासीवादी नाजीवादी शासन। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था। ठीक है, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था, ये जो कानून था फ्रेंड्स वो किस देश का था, भारत का था, चीन का था, अमेरिका का था, ब्रिटेन का था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन का। कॉर्न लॉ जो था वो ब्रिटेन का कानून था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को दो आंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 331 में। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, दो अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, तो कितना है, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन नंबर डी है 11, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ओके, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि जो अभी राज्यपाल है, जो करंट में राज्यपाल है कौन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के, ठीक है, भारत के राज्यपाल कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन बी है 29, तो इसका आंसर जो है सो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। ओके, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो कितने विषय हैं समवर्ती सूची में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है,
बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं का कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 18 वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसिलियर, ठीक है, अस्थाई समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वार्ड काउंसिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए? ठीक है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 1972 में। ठीक है, तो आज के लेते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट टू वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पार्ट टू का जो वीडियो हम डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लास में पढ़ाई करना है तो आप 8:30 बजे शाम में आ जाइएगा। ठीक है, इसी चैनल पे शाम में 8:30 बजे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।